जेल में संपर्क पहुंचा दूं, मुझे वो जाला और जख्मी चाहिए। और इफ्तिखार? बहुत अकड़ है ना उसमें, उसकी अकड़ तोड़ो। ये वो लड़की थी कौन? मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है, क्या नाम था उसका? उजाला शब्बीर आलम की नहीं, हामिद जमान की कह दिया। मैं उसके जीने की हर आंसू को दफन कर दूंगा। देखिए नया ड्रामा सीरियल पसे दीवार 19 अप्रैल से जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। और कितना इंतजार करूं? बस चंद मिनट और। हेलो, व्हाट? सेठ तैमूर का अचानक यूं उस तरह गायब होना अलेमेंट्स क्लब की बदनामी का बायस बन सकता है। झूरे, तुम्हें नहीं लगता कि सेठ तैमूर अगवा हुआ है या फिर कत्ल? कोई वारदात नहीं हुई, किस तरह यकीन दिलाऊं तुम सबको? तुम्हें कैसे पता? तुम लोग ना हल्का लेते हो हम पुलिस वालों को। हम पुलिस वाले जाए वारदात पर पहुंचकर पहली नजर में सारा नक्शा खींच लेते हैं कि कौन कहां से आया और कहां को गया होगा। यानी कि वो अपनी मर्जी से गया है? 100%। मुझे तो अभी भी लगता है कि तैमूर को यहाँ से फरार करवाया गया। डॉक्टर बहराम ने ये किया होगा, आपको तो ऐसा ही लगता होगा ना? पुलिस वाले हो ना तुम जूरा। वैसे तुम्हारे इस तजर्बे और सलाहियतों से मैं काफी फायदा उठा सकती हूँ, लेकिन तैमूर साहब को आखिरी दफा जहाँ देखा गया था वहां से लेटर मिला। होय 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 होय, क्या हुआ? पता नहीं है? इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग परेशान मत हो। मैं ये सब सुन चुका हूँ, लेकिन वो है कहाँ? सर हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी है, तैमूर साहब कहीं नहीं है। तैमूर साहब अक्सर छुप जाते हैं, दोबारा जाके देखो। सर मैं हर जगह देखा हूँ, कहीं नहीं मिले, शायद कहीं चले गए। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, वो कहाँ जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, sad to say it, but आप इन members की इतनी बेहतरीन केयर कर रहे हैं और वो सब आपको छोड़कर जा रहे हैं अलविदाई खतूत लिखकर। एक तुम्हारे नाम है और एक किसी और के नाम। गौर से पढ़ना और उन्हें भी पढ़ा देना। You might find something. अब तो डॉक्टर मारे के साथ दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। तुम दोनों बहुत ओवर एक्टर हो। डॉक्टर मारिया मैडम की पसंदीदा हैं, तो उन्हें पसंद करना पड़ेगा। ताकतवर की हां में हां मिलाने का कह रहे हैं आप मास्टर जी? बड़ों की इज्जत करना सिखा रहा हूं बच्चे।
और उस्ताद की नीयत पे कभी शक ना करना, बड़ा रुतबा होता है उस्ताद का। लेकिन जहां टीचर्स को कम तनख्वाह दी जाए वहां कोई क्या करे? दुआ करे कि अल्लाह हमें हदायत दे और तौफीक भी। डॉक्टर, नर्स, फायर ब्रिगेड स्क्वाड, ये सब माशरे का हिस्सा हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमें भी इनकी खिदमत करनी चाहिए। तो इनको बड़े बड़े कौमी एजाज दिलवाओ। जिन्हें इनकी कदर है वो इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। ना कदरे से लड़ा तो नहीं जा सकता ना। तरक्की याफ्ता ममालिक ने उस्ताद, नर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड वालों को कहां से कहां पहुंचा दिया, और हमने यहां से यहां। तनकीद जाहिल और नफसियाती लोग करते हैं, हम नहीं। हम क्या करते हैं? काम, काम और नेक नियति से काम। चलो लग जाओ अपने अपने काम। चलो। हाँ, नए आने वाले जितने मेंबर्स हैं उनमें से जिन्हें हमने नॉमिनेट किया है ना, उनकी फाइल्स मुझे दिखा। सर ठीक है, वो तैमूर साहब की बेटी से आप खुद बात कर ले, बहुत बदतमीजी कर रही हैं। हाँ मैं खुद उससे। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बाबा से मिलना है। ये कैसे हो सकता है बहराम साहब कि मेरे बाबा यहाँ पर नहीं है? आप लोग मेरे बाबा को मुझसे छुपा रहे हैं। मिस रानिया आप प्लीज रिलैक्स हो जाए। क्यों? ताकि हम आराम से बात कर सकें। मुझे मेरे बाबा चाहिए, मेरे बाबा कहाँ हैं? अब ये क्या है, ये क्या मुझे पकड़ा रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप प्लीज एक बार ये पढ़ लें। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? पता नहीं ये क्या पकड़ा दिया आप मुझे। डियर अनीला, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारी उस बेटी के नाम कर रहा हूं जो कि मेरा कत्ल करना चाह रही थी। याद रखना, रुपया 1 हो या 201 करोड़, रहता सिर्फ एक मेहनतकश मर्द के हाथ की मैल है। उफ, सही, लड़की तो अपनी मां से भी ज्यादा बदमिजाज है, ये फिर आएगी? नहीं, अब ये कभी नहीं आएगी। वैसे तैमूर साहब भी ना बड़े ही अजीब चीज थे, जाते जाते भी किसी के सर पे बॉटल ही मार गए। शुक्र हम बच गए। थे तुम? ये क्या? मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारी उस बेटी के नाम कर रहा हूं जो कि मेरा कत्ल करना चाह रही थी। नूर का बिजनेस पार्टनर था और आपने मुझे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया, इसीलिए। बिल्कुल, तुम मेरे बेटों की तरह ही हो। आंटी आपको और खास तौर पे नूर को सलमान एंड कंपनी से अब दूर हो जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही चाहती हूँ। सॉरी आंटी, लेकिन आपको किरण की तरफ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ किरण के साथ हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी। और नूर, उसने सलमान जैसे बुजदिल शख्स को दूल्हे के रूप में देखकर क्या करना था? ये तो नूर को मुसलसल अजियत देने वाली बातें हुई, आप जानती हैं इस बात को अच्छे तरीके से। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आंटी। ठीक कह रहे हो बेटा, ये मनुस खानदान मेरी और मेरी बेटी की जान को आ गया है, तुम बताओ ना क्या करें। आप भूल जाएं आप, और स्पेशली नूर से कह दे कि वो भी भूल जाए,
उस दगाबाज सलमान को और उस पैसे की पुजारन उसकी बहन को। सही, ठीक। बहुत मना लिया सोख, चल उठकर कहीं घूम कर आते हैं। दिल नहीं चाह रहा। क्या करूं मैं तेरे दिल का? सीने से निकाल कर फेंक दे किसी वीरान से मकाम पर। मैं खुद से उलझा हुआ था, सुलझ गया तो मर जाऊंगा योगी। टीनेजर लड़कियों की जब मंगनी टूट जाती है ना, उन पर जो गुजरती है कुछ वैसे तासुर आते हैं तेरे। बकवास कम करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा हो सकता भला? होने को तो वो कुछ भी हुआ है जो कभी सोचा नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं सोचा था योगी कि एक दिन अपने ही बिछाए हुए जाल में ही फंस जाऊंगा। किसी को दिया हुआ धोखा वाके लौटता है और इंसान के गले में तौक बनकर लटक जाता है। ट्रस्ट मी, तुझे माहिर नफ्सियात की अशद जरूरत है। मेरी जरूरत दुनिया भर के माहिर नफ्सियात पूरी नहीं कर सकता। मतलब का जैसे कोई इलाज नहीं, ऐसे ही हवस का भी कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। पिछले हफ्ते इससे ज्यादा एक्टिविटीज की थी नत्था और जैन ने। आपकी बात ठीक है, लेकिन नत्था और झूरा काफी स्लो हो रहे हैं इस दफा। क्यों शिकायत लगा रहे हो? तो कान भरने वाले और कानों के कच्चों ने दुनिया तबाह करके रख दी है। यकीन नहीं आता तो तारीख उठा के देख लो। मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ मास्टर साहब। जो हमसे प्यार करे कभी कभी उसकी बातों में आ जाना चाहिए। You're right. अच्छा लगता है। आप यहाँ खड़े हैं? नहीं, वहां खड़ा हूं। वो देखो, आपकी दवा का वक्त हो गया। हेलो, नजर इसे नहीं आ रहा, दवा का वक्त मेरा हो गया है। मैं उसको दवा दे दूंगी, प्लीज आप अपनी दवा खा लें। नहीं खाऊंगा, सुकून आवर दवाएं खिला खिला के ये मुझे बेसुकून कर देगी। आप इसे बताएं ना कि मैं यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको मुल्क की तरक्की और खिदमत खल्क में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, आप कैसे खराब हो सकते हैं? सुन लिया क्या? शाबाश, अब दो बैरियां हमारा इलाज करेंगी तो हम खाक ठीक होंगे। I'll take care of her. Please दवा खा लेंगे अपनी? नहीं, मैं दवाई नहीं, मैं दवाई नहीं। दवा खा ले। तैयार, follow me. तुझे पता है क्या हुआ था? क्या? तैमूर अली खान 11th क्लब से निकले, हुंडों भरी एक गाड़ी आई और उन्हें अगवा कर लिया गया। नहीं, वो जो उनके तस्वुर में आती थी वो उन्हें भगा कर ले गई। नफ्सियाती रहे नहीं तुम लोग, लेकिन बातें पागलों जैसी क्यों करते हो? गए दिनों की याद में करते हैं ये बातें। किसी के प्यार में करता हूँ ये बातें। हसास लोग हो तुम, नफ्स के हाथों मारे हुए, सीने पे बुक्स और कीने के मेडल सजाए हुए लोगों की तरह बातें न किया करो, वरना 11th क्लब के नाम पर सिर्फ थब्बा बन के रह जाओगे। 11th क्लब जान है मेरी, मैं तो बस तैमूर अली खान की अचानक गुमशुदगी के लिए चंद लम्हात की खामोशी इख्तियार करना चाहता हूँ। और मैं तज्ज़िया करना चाहता हूँ। अच्छी तरबियत जिंदगी का बेहतरीन तजर्बा और दिल साफ ना हो तो तज्ज़िया नहीं किया करते, वरना अंदर का ताफुन निकल कर बाहर आ जाता है और दुनिया में फैल जाता है। इसने जो कहा तुझे समझ आया? नहीं। आ तुझे समझाऊं। साहब जी, आपके मेडिसिन। मैं डॉक्टर को फोन करती। नूर से बात करवा दो। मैं करवाती। अच्छा अच्छा अच्छा, सर आप तबीयत समझ जाए ना फिर फोन कर लीजिएगा। इस तरह उसने आपकी आवाज सुनी तो पढ़ाई वगैरह सब छोड़कर यहाँ आ जाएगी वापस। बिल्कुल, यू आर राइट। वो
असल में ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत मुझी मर्ज है, अल्लाह माफ़ करे। हाँ तो आप भी तो अपना ख्याल नहीं रखते ना, एहतियात नहीं करते, बस हर वक्त काम 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 काम, जितना करूँ कम है। मेरी बेटी को मेरे बाद पैसे की कमी ना हो। खुद को संभालें, आपके बगैर नूर, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? गजाला, मैं करूँगा वहाँ ऊपर तुम्हारा और अपनी नूर का इंतजार। नूर बीबी घर चली गई, अब तैमूर अली खान यहां नहीं रुकेगा, मुझे शर्त लगा लो। शर्त लगाना आराम होता है जवारी, मरासी और पोडरी के साथ रह के तुम भी खराब हो गए। जब तुम मजाक को सीरियस लेते हो ना तो जहर लगते हो। हमारा मर्जी के बगैर हमको जुगत लगाएगा तो हम क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, खबर है आ गया एक और डिस इंफॉर्मेशन का मरीज। तैमूर अली खान ने भी इलेवंस क्लब छोड़ दिया। क्या कहा था मैंने खान? बड़ा काला जबान है तेरा, वो मेरे बारे में ना कुछ कह देना, अभी हमने बड़ा कुछ करना है। हाँ समझ, सब चले जाएं, ज़ुबैदा तो यहीं रहेगा। मैं शाहरुख को भूल चुकी, अब तुम याद आते हो। चाहे जाने के ख्याल में मुब्तला टीना प्यार मोहब्बत इश्क नहीं दगा करेगी। ऐसा शख्स जो अपनी मोहब्बत और नाजुक एहसासात को बाजारी गुफ्तगू बना दे उसे दूर रहना चाहिए। ना क्या करो ऐसी बातें, क्यों और अच्छे लगने लगते हो और ये मैं नहीं चाहती। तुम मुझसे दूर रहो, खुद भाग रही हूँ कहीं दूर, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है बैरी। मैं लेकिन इकरार नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि तुम मगरूर हो जाओगे और फिर जहर लगोगे। अकेले जहर मत पियो। किस खुशी में? हम बैरी के लिए तड़पते रहे और उसे परी उठा के ले गए। मतलब? बैरी ना तुम्हारा रहा ना मेरा। Are you serious? मुझे तो आदत है लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही होती ना। मुझे भी आदत है। तैमूर साहब ने होश में आते ही सबसे पहले तुमसे बात की थी। आपके सिवा इलेवंस क्लब में हर बंदा अपने दिल की बात हमसे करता है। फजूल बातें मत करो खान, ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्या कहा था? ये हम नहीं बता सकते। क्यों? कौमी राज है। What? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तैमूर साहब की जाती बात कौमी राज कब से हो गई? असास लोग एक कौम है, उनके दिल का बात एक राज है, इसलिए। अब मत बोलना खान वरना तुम्हारा भी साइको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये क्या होता है? दिमागी तज्जिया। अच्छा ना कर, समझ वो सही कर गई है भाई। नफरत है मुझे तुमसे, भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और कल जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ना कोई बेच रहा है मुझे ना कोई खरीद रहा है। अगर तुमने कोई जबरदस्ती की है, बीच में आने की कोशिश की तो गला दबा के सिर्फ पागलखाने में दफन कर दूंगा तुम्हें।
कोई दुखी और रोमांटिक ना सुना देना, इमोशनल नज़म सुनाओ, जज्बा आए, खून गरम हो। हेलो पुलिस, क्या कर रहे हो? पुलिस का है काम मदद आपकी, आप भी ताउन कीजिए, अब बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जुरा, यहाँ पर सेशन होना है, उठो और चलो मेरे साथ प्लीज। नहीं जाऊंगा। जुरे, 11th क्लब का स्टाफ कितनी खुश इखलाकी से तुमसे बात कर रहा है, लेकिन तुम नहीं सुधरे। मास्टर जी बताए से उठाए यहाँ से, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो उठो। मैं नहीं जाना। मैं भी नहीं जाऊंगा। जुरे, तुम्हें पता है कि यहां अंदर खाते क्या चल रहा है? मैंने दूसरों की कमजोरियों पर नजर रखना छोड़ दिया है मास्टर। तुम पर भी नूर का असर हो गया है। इस पर हमारा रंग चढ़ गया। ला हौल वला कुव्वत खान, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। इधर तक ना, सही कह रहे। छोड़ो मड़ा, तुम दोनों को डॉक्टर परी बुला रहे। जाओ जाके कह दो हम नहीं आ सकते, मसरूफ हैं, अभी मुझे स्कूल का राउंड भी करना है। मास्टर जी आपने हिसाब किताब की क्लास भी तो लेनी है, बताओ इसे बिजी हैं हम। हाँ अभी तो हिसाब की क्लास भी लेनी है, जाके कह दो हम फ्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पहले कच्चा पक्का था, अब पक्का हो गया कि तुम में से कोई भी ना पागल है ना ही नफ्सियाती है। तो फिर हम पहले पागल खाने और फिर वहां से यहाँ 11th क्लब क्यों आए? हाँ क्यों? अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, हमारा कंपनी एंजॉय करने के लिए। लाहौल वाला और किस लिए, हमको नहीं पता है। तुम लोग ठीक हो जाओ। तुम भी ठीक हो जाओ। क्यों, हमारा टोकन शॉट है? ये रहो। और तुम्हारी तारें शॉट हैं, टोकन शॉट है। चल जुरे, कोई नजम सुना दे खून गरमा देने वाली। चल उसके लिए तो किताब दूसरी लानी पड़ेगी। मास्टर जी आप बैठो, मैं लेके आता हूं। खुद ही पढ़ लेता हूं। तुम मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, हम दोनों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुमसे बात कर रही हूं, इतना काफी नहीं है? बहुत काफी है। वैसे एक जाती सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। उस दिन चची तुम्हें डांट रही थी जमशेद की वजह से? वो चैप्टर कब का क्लोज हो गया? चीटर निकला, मेरे साथ शादी के दावे करके निकल गया। निकल गया? कहाँ निकल गया? मेरी दोस्त के साथ। ओ, तो धोखा तुम्हारी दोस्त ने दिया? दोस्त नहीं, मंगेतर ने। अब क्या करोगी? जो भी करो कम से कम तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ूंगी। चाय मिलेगी? सोनिया आप बताओ फिर क्या करें? दिमाग खराब कर दिया। जीना हराम कर दिया उसने। किसने? है कोई। कौन है? खान। और कौन? ये अपना बड़बोला, अपना खान। हाँ तो और क्या, हर बात में हर मामले में घुसा रहता है बंदा। उससे पूछे तू मामा लगता है। मुझे भी बड़ा तंग कर रखा है, सवाल पे सवाल। तुम सबसे ज्यादा तंग मैं उस खराफाती खान से। तेरा तो बनता भी है बेटे। और हल हम में से किसी एक के पास भी नहीं। वो मसला ही क्या जिसका कोई हल ना हो? मतलब? मैं हेड मास्टर हूँ, मेरे पास हर मसले का हल एक मिनट में हल हो जाता है। वो कैसे? सर जोड़ो। नहीं नहीं जुएं चली जाएंगी। तुम्हारे पास तो जुओं का घर भी नहीं है। सर लो। बिल्कुल ऐसा ही होगा मास्टर। कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? जैसा भी होगा खुद देख लेना।
बस करें नहीं, कभी तो मेरी बात मान लिया करें। सारी जिंदगी तुम्हारी तो मानी है और आखिरी दम तक। बस बहुत हो गया ना, मुझे आपकी जरूरत है। ये बार बार मरने की बातें क्यों करते हैं आप? मैं तो पहुंच ही ना चाहता हूं। सारी जिंदगी मेहनत करते, नूर के लिए बिजनेस सेट करते गुजर गए। अब मैंने तुम्हें भी तो वक्त नहीं दिया ना। बहुत वक्त दिया आपने मुझे, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, अल्लाह आपको जिंदगी दे। अल्लाह रहम करेगा, मेरे बाद भी अल्लाह तुम पे और नूर पे अपना करम करेगा। तुम्हें अपने और बैंड मास्टर के सिवा किसी की खबर है कि नहीं? सबकी खबर है। अब क्या हुआ? इलेवेंस क्लब की इंतजामिया इलेवेंस क्लब के मेंबर को अंदर करवाना चाहती है। अंदर? कि क्या मतलब? वो थाने में बंद करवाना चाहती है। पता है उसमें सबसे पहला नंबर किसका है? किसका? खान का। खान का? खान ने क्या किया? उसने इलेवेंस क्लब के मेंबर्स को वरगलाया है, भड़काया है, यहाँ से फरार होने में मदद की है, और तो और उसने बम से इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाना चाहा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। खान एक असास आदमी है, वो ये नहीं कर सकता ना। अरे खान एक नफ्सियाती मरीज है। नफ्सियाती नहीं है, वो चौकीदार है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इंतजामिया ने उस पर गोलियां चलाने का प्लान बनाया है। अब गोलियां चलेंगी। हम तो ऐसा नहीं था। हमारा एसीआर किसने खराब किया? ता चोक दे खुदे दे माला पगतुरा वाली। ना वो सुबेदा सुबेदा कर रहे हैं, ना वो कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी। आकर देखें इनको आप। कैसे हो? बिना साथी के कैसा होता है कोई? जुबैदा तो यही है ना। जुबैदा? कौन जुबैदा? तुम्हारी बीवी। मेरी तो कभी शादी नहीं हुई, बीवी कहाँ से आ गई? तो वो तुम्हारी कहानी झूठा किस्सा है। जुबैदा मेरे मोहल्ले में रहती थी, मेरी अम्मी और मेरी बहन को बहुत पसंद थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती थी। रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारी शुरू हो गई। एक हफ्ता पहले मेरी नौकरी चली गई और जुबैदा भी। बात सुनो, यहाँ कोई साजिश हो रहा है? हाँ। वो क्या? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यानी तुम्हें पता है? जाहिर है। ये क्या है यार दास्तदी? क्यों? मुश्किल वक्त में साथ देना हर किसी के बस का रोग नहीं, इसलिए मैंने मोहब्बत को रोग बनने ही नहीं दिया और हर लड़की को जुबैदा जुबैदा कहकर अपना दिल बहलाता रहा और वक्त काटता रहा। उसकी बेवफाई पे कुड़ते हो? बेवफाई कोई चीज नहीं है। ये जो बेवफा सनम कह के एक दूसरे को मार देते हैं ना, बहुत बड़ी गलती पर है। भाई देखो, जिसे मैं चाहिए ही नहीं, मैं उसका था ही नहीं, जिसका मैं हूं ही नहीं और वो मेरा नहीं, फिर झगड़ा कैसा? साथ क्या? वाह, तुमने तो ऑनर किलिंग का पूरा इंस्टीट्यूट ही उड़ा दिया। अपनी असेसमेंट से ज्यादा ठीक हो गए हो तुम। डॉक्टर, मैं कभी खराब था ही नहीं। तो
अयान जी सर, मजा आ गया आज, एक कॉफी पिलाओ। तुम्हारी वजह से नाजो ने मुझे फिर खूब सुनाई। मेरे बलले को तंग ना किया करो सर जी। अच्छा जी, मास्टर्स कर लो और अच्छी सी जॉब देखो। चार्ज माते पढ़कर तू मां नानी का सबक भूल गई। तुम्हारी शराफत नुमा सोच के मुताबिक बात की है, वरना सारी उम्र तुम्हें दिल वाले रंगले पलंग पर बिठाकर खिलाती रहूंगी। मुझे रोटी के हर नवाले पर उपकाई आती है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तवाइफ के घर में पैदा किए गए हैं। रब के मुजरिम होंगे अगर तवाइफ के घर में मर गए। हमारी आजमाइश बस इतनी सी है। नीनी, यहां से निकल चल नीनी। हाँ चल, शाम होने वाली है, मम्मी नाराज होंगी, फंक्शन की तैयारी करते हैं। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल गई हो, सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले। कितना अच्छा। देखें, आप मुझे उस्ताद जी के खिलाफ नहीं भड़का सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज तक उन्होंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की, यही ना? हाँ। ब्याह कर, तबाह कर देगा वो तुझे। वो कैसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रुक बलले, मेरी लड़कियों का दिमाग खराब ना कर, समझा? मम्मी आप क्या सोच रही हैं? इसकी बर्बादी। मैं तो कह रहा हूं बस कर दो अब खान को पकाना, वो कच्ची सब्जी इतना प्रेशर नहीं ले सकती। अब उसे बता देते हैं कि भैया हम उसके साथ मजाक कर रहे थे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। इतने अरसे से हमें पका रहा है, थोड़ी देर हम पकाएंगे तो क्या हो जाएगा? लो है, जितनी एंजाइटी हम उसे दे चुके हैं, अगर वो गुजर गया तो? एंजाइटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ नमाज में है, और वो वैसे माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाजी है, उसे नहीं कुछ होना। ये ठीक कह रहे, लेकिन तुम किसका बात कर रहे? क्यों, हम तुम्हें क्यों बताएं? हैं? हमारा आखिरी टाइम चल रहा है, बता दो मड़ा। आखिरी टाइम चल रहा है, वो कैसे? तुम्हें सब पता है, खोचल ना बाण, हमारे खिलाफ केस तैयार है, लेकिन ये साजिश है, इसलिए हम रिजाइन देगा। क्यों? क्योंकि हम गैरतमंद हैं। अरे हम बेगैरत हैं? हम भी गैरतमंदी हैं, मजाक कर रहे थे हम तुमसे। मतलब के इंतजामिया तेरा प्रमोशन करने वाली है, हमें पहले पता चल गया तो हमने सोचा तुझे थोड़ा तंग कर लिया जाए। अच्छा, तो वो पागल साइको नूरे सबा सलमान को तुम्हारा दिया तोहफा है? मैंने तो उसे बस एक सेमिनार पर इनवाइट किया था और बस। बस इतनी छोटी सी कहानी जो तुमने इतनी जल्दी सुनाकर खत्म भी कर दी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, वहां तैफोर और मेरे सर्कल में मेरी नाक कट गई, और इसके जिम्मेदारों में तुम भी हो। मैं आपकी अजियत समझ सकता हूं, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक कह रहे। अच्छा, तो तुम दोनों अगर ठीक हो तो गलत कौन है? ये सवाल तो मेरा भी है, लेकिन आज नहीं पूछूंगा। सॉरी, मेरी मीटिंग है, मैं फिर आऊंगा।
लेकिन अब तुम लोगों का खैर नहीं है। क्या क्या हो गया खान? एक मिनट, कुछ नहीं होता, एक मिनट। चलाओ गोली। टोपक नीचे कर ले खान, वैसे भी दिन में तेरा खाली होता है। हमने तो मजाक किया, तुम तो सीरियस ही हो गए। तुम्हारा इस सादगी की खातर हम तुम सबको अच्छा सा दूधपति पिलाएगा। ओए दूधपति, दूधपति, ये जब तुम दूधपति बोलते हो तो ये तुम्हारा मुंह आगे को क्यों चला जाता है? दूधपति पिलाएगा, दूधपति। क्योंकि इसमें मोहब्बत शामिल है, इसलिए मुंह चल पड़ता है। बल्कि पिलाएगा नहीं, तुमको हम दूधपति चिकाएगा। आओ जी चलो, चलो अब हम चिकेंगे। ये अब क्या हर रोज अदालत लगा कर बैठ जाती? जिस तानिया से मेरी शादी करवाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, उसी तानिया को मुझसे तलाक दिलवाने के लिए इतना कुछ कर रही हैं? हाँ, क्योंकि उसका बाप मेरे असूलों से टकरा गया है। अच्छा, क्या हैं आपके असूल? तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं करोगे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।